मैं गुज़ारिश करूंगी हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत बड़ी फ़िक्शन राइटर है मोहतरमा जाहदा हिना साहिबा से मुलतम हूँ चंद कल माता फ़रमाएँ ख़ीन हजरा ये आज हम सब के लिए नहायत खुशी और आ, खुशी का मकाम है कि हम यहाँ चाहे एक नशस् छोड़ के बैठे हों लेकिन बैठे हैं और इन सब को इकट्ठा करने का काम हमारे अहमद शाह ने किया है उनके कारकुनों ने किया है चूँकि एक ऐसे ज़माने में जब हर तरफ़ से पूरी दुनिया में कोरोना का अजाब आया हुआ है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और हमारे बिल्कुल सरहदों पर तबल जंग भी बज रहा है एक ऐसे ज़माने में इस कॉन्फ्रेंस को मनक़द करना और इसका तसलसल कायम रखना ये एक बहुत बड़ा काम है जो अहमद शाह और उनके साथियों ने किया है और ये सालाना अदबी बैठक का तसलस टूटने नहीं दिया मैं यहाँ ये अर्ज करूँगी कि अभी जो बातें करके हुदा शाह गई हैं वो मेरा ख्याल है अभी हमने सबको तो नहीं सुना लेकिन वो इतर है इस कॉन्फ्रेंस की आ, के इन अक़ाद का इस इतर है इस बात का कि भाई किस तरह हम नाइंसाफ़ी से लड़ें किस तरह हम नफ़रत से लड़ें चूँकि नफरत उसी वक्त पैदा होती है जब समाज में मुख्तल जो बाला दस तबक़ हैं वो कोई सी भी जबान बोलते हों जब वो आ, वो नहीं करते इंसाफ नहीं करते लोग ये समझते हैं कि ये फ़ला जबान के बोलने वाले ने हमारे साथ नाइंसाफी की है तो ऐसा नहीं है बल्कि ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह की नाइंसाफियाँ हो रही हैं आज से नहीं इस मुल्क के बनने के फ़ौर बाद से मैं ये नहीं कहूँगी कि तिहत्तर साल और बा, बहत्तर साल इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है कि फैज़ साहब की जो नज़म है उम्मीद सहर की बात सुनो वो पाकिस्तान के कयाम के फ़ौर बाद वो वो कर दी गई थी बैन कर दी गई थी ममनू हो गई थी और उसके बाद से यह सिलसिला मुस्तकिल चल, चलता रहा बढ़ता रहा और वो यहाँ तक पहुँचा कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान जिसके वोटों से पाकिस्तान बना था अगर वो ना होता मशरक़ी पाकिस्तान तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था हमने उसका एहसान भी भुला दिया और उसको खून में हमने लुहलुहान किया बलोचिस्तान में नौरोज़ ख़ान और उनके बेटों के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद से आज तक जो कुछ हो रहा है वो नाकबिल बयान भी है और कैसे कहा जाए कि हमारे यहाँ इंसाफ़ हो रहा है हमारे यहाँ इंसाफ़ नहीं हो रहा और ये अदीब का काम है कि वो इन जो जख्म हैं उनको रफ़ू करे और बजाय ये बहस करने के कि फ़लाँ अकेडमी की तरफ़ से मुझे इनाम क्यों नहीं मिला इसलिए कि हमारा असल इनाम तो ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ़ हो पाकिस्तान में तमाम जबानों के बोलने वालों के साथ इंसाफ़ हो और उन्हें उनका हक़ मिले इसलिए कि हक़ के, हक के बग़ैर इंसाफ़ नहीं होता और हक़ के बग़ैर कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर अपनी अज़ीज़ दोस्त नदा शाह को मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने जो बातें की वो कमाल की बातें थीं और वो, वो बातें थी जो होते रहने चाहिए एक ख़ुशी मुझे इसकी भी हुई मैं गोपीचंद नारंग साहब को सुन रही थी कई बरस हो गए जब मैंने उनके लिए एक तहरीर लिखी थी बलूचिस्तान का गोपी चंद नारंग उस वक्त हमारी तरफ के बेशतर लोगों को यह पहली मरतबा मालूम हुआ था कि गोपी चंद नारंग का जो बर्थ सर्टिफिकेट है या जो उनका डोमिसाइल है वो बलूचिस्तान का है खुश रहिए आप सब शुक्रिया